आज हम जा रहे हैं मडवा मारने। मम्मी मडवा खाली कर रही है जो बोरे में था ना। पैरों में गुदगुदी लगती है पहले पहले, पर पैर बहुत साफ हो जाते हैं इससे। आज ये सब काम हम करेंगे। अरे रे कुत्ता। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उत्तराखंड की नसीन वादियों से प्यार भरा नमस्कार आप सबको। और मॉर्निंग हो गई मेरी बहुत ही प्यारी, इतनी सुंदर। सुबह उठते उठते ऐसा नज़ारा दिखता है तो दिल खुश हो जाता है, और इसीलिए ब्लेस फील करते हैं कि हम उत्तराखंड में हैं। और अभी उठ गया हूँ मैं। हाँ, 9 बजे गुड मॉर्निंग हो रही। मम्मी नाम रख, 9 बजे है 8 बजे है 8 बजे ब्लॉग 9 बजे। तो मम्मी यहाँ पे नहा धो के तैयार होगी। पहले बोला था मम्मी ने गुड मॉर्निंग, पर वीडियो में नहीं आया। तो मम्मी नहा धो के एकदम सारा काम निपटा के तैयार हो गई है। अभी जंगल चली आ ले, मौसम सही रहा तो जाएंगी जंगल, वरना नहीं जाएंगी। और यहाँ पे फूल दिखाते हैं आपको आज मॉर्निंग में। ये मम्मी के लगाए फूल, ये देखो ये देखो ये देखो। डिस तो बेचारे बेकार हो गए, बहुत बेकार। ये देखो पपड़ियाँ उतर गई उसकी डिस की। ये फूलों के हाल, सारी वेराइटीज़ मम्मी ने रखी। देखो पूरे मतलब बाथरूम का छत भर रखा है, नीचे आंगन भर रखा है, इधर से इधर ये भी भर दिए, ये शोपीस वगैरह, ये बहुत प्यारे। और इधर भी दिखाता हूँ, सारे मतलब पूरा एरिया ही कवर कर रखा मम्मी ने फूलों से। देखो फूल पत्तियाँ, स्ट्रॉबेरी के पेड़ भी थे, अभी नहीं है, पुदीना सब कुछ लगा हुआ है। देखो जगह का फ़ायदा उठा रहा है ना, सही है। बेकार ऐसे घास उगने से सही है, फूल उग जाते हैं, है ना। मम्मी से बुलवाते हैं आज। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कौन ना कैमरा खाने पर भाई, वो तो बोल रहा मुझे मेरे हाल को बुला दे के। मम्मी घास लाने वाला खाँच भूल गया। बुआ जी गुड मॉर्निंग। बुआ जी गाय के आ जाने के लिए तैयार हो रही है, तैयार हो या भट पीस रही हूँ। भट पीस रही है मम्मी, इसे यही भूल गई। मम्मी मुझे पाड़ लेना आ रहा ना, पानी नहीं आया आज, बहुत बुरा हुआ। ये भरा हुआ, बाकी वो सब खाली है। मौसम तो बहुत ही बेकार हो रहा है, सब कंफ्यूज है। मतलब जो घास वास काटने आते हैं जंगल की ओर, वो कंफ्यूज है कि हम जाएं कि ना जाएं, ऐसा हो गया मौसम। मम्मी ने तभी ये पन्नी भी रखी है, बराती वगैरह भी रखी। ये हमारा प्यारा सा छोटा सा घर, मस्त एकदम बढ़िया सा। ये पापा ने भी नारखा, पापा ने कच्चा सुखाने डाल रखा है। नहाया आ जाए, 3 दिन में सूखेगा। अभी 3 दिन में कपड़े सूखने में इतना टाइम लग रहा है आजकल ना। तो अभी मैं आ गया हूँ हाथ में धो के, और अब जा रहा हूँ मैं बनाना शेक बनाने। काफ़ी टाइम बाद आजकल ब्रेकफास्ट ऐसे ही हो रहा, मतलब कल भी बनाया था ऐसे, काफ़ी टाइम बाद नहीं, कल बनाया था, काफ़ी टाइम बाद आज फिर से बना रहा हूँ। और मम्मी हमारी हो चुकी है यहाँ पे, धोती होती गाद के जंग जानते तैयार है। मम्मी मम्मी दूध डाल लो ना, पहले शेक पियेंगे। तेनू तक दरवा, बातों से तेरी हंस दरवा। जार तैयार है, मम्मी थोड़ा सा और दूध डालेगी तो ये हो गया। इसमें हल्की सी शुगर डालेंगे, उसके बाद बन जाएगा हमारा बनाना शेक। हमारा बनाने से तैयार है। What a tasty, tasty banana shake। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। मम्मी ये गई जंगल की ओर, अब आएगी मम्मी 11 बजे। मैं भी चलता हूँ रोटी लेके भैंस की यहाँ, किट्टी यहाँ, किट्टी को बात के आता हूँ। किट्टू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम्हें बांधते हैं वहाँ, आज ही कीचड़ पोछना नहीं है, क्योंकि जब भी मैं कीचड़ पोछता हूँ पूरा साफ़ कर देता हूँ। मम्मी कहती आंगन उतना साफ़ नहीं होता जितना तू भैंस के यहाँ पे साफ़ कर देता बाहर। तो अभी किट्टी को ही बांधना है सिर्फ, और फिर घर को चलना है। और चोमू वोमू तो इधर है दोनों ये। हेलो गुड मॉर्निंग, चलो किट्टी को बांध दिया है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस अभी मैं गद्दे धूप में सुखाने के लिए ले आ रहा हूँ, आज धूप आ रही काफ़ी टाइम बाद, तो गद्दे ही डालने सुखाने के लिए। ये पापा की चारपाई वाला गद्दा है, और मेरी रजाई जो है बिछाने वाली, ये मैंने डाल दी है सुखाने के लिए। और मम्मी ने यहाँ पे गेहूँ डाल रखे सुखाने। आज धूप आ रही काफ़ी दिन बाद, तो फ़ायदा उठाते ना, कपड़े वपड़े सुखाते हैं,
गेहूँ सुखाते हैं। तो अभी दिन के बज रहे हैं 1:30 और आज हम जा रहे हैं मडवा मारने। मम्मी मडवा खाली कर रही है जो बोरे में था कल परसों जितनी जब भी लाई थी, तो ये जो मानने लायक हो गया उसको मानते हैं पैर से। मतलब जब जिस टाइम पे मानना शुरू करते हैं ना, पैरों में गुदगुदी लगती है पहले और पैर बहुत साफ हो जाते हैं इससे। तो आज ये सब काम हम करेंगे, इन्हीं पैरों से हम इसको मानेंगे। अरे अरे कुत्ता है, पहली ये तो कुत्ता लागे, फिर बाद में सारे जली। ऐसे मानते मडवा, जिसको बोलते कोदा ना मम्मी। ये जो मडवा है इसको बोलते कोदा, मतलब कोदे की रोटी होती है, कोदे का आटा, कोदे की रोटी, वही होता है मडवा हमारे यहाँ। तो इसे बोलते हैं मडवा। ये है मडवे की बाली और ऐसे मतलब ऐसे मानते हैं इसको, ये पैर से मानते हैं। मौसम अभी ऐसा खुल गया अपना सिखाने आ रही है, मेरे को ध्यान ही नहीं है। और वैसे अभी जो पैर से मैं मान रहा हूँ, बहुत से लोग सोच रहे हैं पैर से मान रहे हैं तो गंदा हो गया होगा, ऐसा नहीं है। जिस टाइम पे धूप नहीं होती उस टाइम पे करना पड़ता है ऐसा। अभी धूप है ही नहीं 3-4 दिनों से, ये भी पड़े पड़े बेकार रहता मडवा, सड़ जाता है। इससे अच्छा मान के सुखा देंगे, सुखा के देंगे, हवा भी लग जाएगी तब भी सही रहेगा ना। ऐसे बाली में पड़ा रहेगा तो सब सड़ जाएगा जल्दी, इसीलिए। और इसको वैसे भी चक्की में पिसवाने से पहले धुला जाएगा, उसके बाद ही इसको पीसा जाएगा। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि पैर से मारने तो ऐसा गंदा हो गया। और आप क्या पता नहीं कैसे मानते हैं, हमारे ऐसे ही मानते हैं वैसे। धूप वूप नहीं होती तो वरना बैट से चूटते हैं, चौड़ा वाला बैट लेके, मुंगर बैट, उससे। नहीं है भैया बस की, बहुत हुआ, पैर में चुभ रहा है बहुत ज़्यादा यार। ये तो इतने देखो, ये तीखे होते हैं, ये देखो इतना तो तीखा ही है, इतना ही मटुआ निकाल पाया मैं, इतना बस, इतना वो कर रखा है। ये करना था, मम्मी कह रही तो एक इतने टाइम में एक कट्टा हो जाता बन। तो फिलहाल अब भूख लग गई है, एनर्जी ख़त्म हो गई मेरी, अब खाना खाने जा रहा हूँ मैं। हाथ पैर धोता हूँ, खाना खाता हूँ। तो अभी हम आ गए खाना खाने के लिए, स्पेशल थाली है। वीडियो बनाने से पहले लाइट चली गई, थाली में से खाना डाला था। आज है भात और पिनाव की गप की सब्जी, टप की मतलब, और है रायता। ये देखो यहाँ पे मम्मी खा रही है, यहाँ पापा बैठे हैं, लाइट चली गई, ये मेरी थाली। अभी लंच हो चुका हम लोगों का और बाहर आया था मैं मौसम देखने। क्या मौसम हो रहा, क्या नज़ारा है, जल्दी से धूप आ जाएगी फिर नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी हमारे सिर के ऊपर लगा है काला वाला बादल, वहाँ भी काला बादल लगा है, बट इतने एरिया में धूप आ रही है, देखो सब जगह छाया और सिर्फ इतने एरिया में धूप। ये देखो ये सब पहाड़ों में देखने को मिलता है ना। इतना सामान फैला रखा है, बाजरा डाल रखा है, मिर्ची है, बाजरे के डंडे हैं झाड़ू बनाने के लिए, सीख, और यहाँ पे मडवा, इतना सामान है, समेटना है फटाफट से। अभी बज रहे शाम के 4 और फिर से मैं एक बार खेत की ओर जा रहा हूँ घास लेने के लिए। मम्मी ने घास काट रखी है, मम्मी ने मडवा भी टीप रखा है, तो मम्मी मडवा लाएगी जैसे परसों लाए थे, और मैं घास लेके आऊँगा। और यहाँ पे धान की कटाई शुरू होगी सब जगह, ताई जी लोग धान काट रहे हैं वहाँ। ताई जी धान चुटने आओ। हेलो गाइस, धान चुटने आओ। वो देखो अलीसा भी आई है। अरे खेतों में रंगत पुर की मेला लगा है, मेला गिरे की, रुक जा वहीं आ रहा हूँ मैं। ला भारी तो नहीं हो रहा है, गिराएगी यहाँ पैर में आराम से। काम कर रही है लीसा आज खेत में, कीचड़ में पैर देखो इसके, चीची आराम से जा, आराम से जा, है जा जा, ना ना चाय पी के आ रहा हूँ मैं, जा बरू उधर थोड़ा आगे। ये देखो चाची लोग ने काट दिए, कुनियन भी लगा दिया, 2-3 दिन में चूटेंगे आप। उधर को लीसा धान काटने दिन आएगा भी पूछ गई, रहते हुए घर ही मिले। ये चाय देने वाली थी मेरे को, चाय लेके नहीं आई गाइस, देख लो नाइंसाफी, इनकी नाइंसाफी देखो, अकेले आ रखी है, चाय भी लेके नहीं आई। क्या मजाक कर रहा हूँ, चप्पल पैर में लगेगी तो चप्पल भी नहीं पहन के आई। चाचा लोग चुट रहे हो नीचे, धान चुटिया ने धान, चुटो चुटो, वो देखो उधर से बारिश भी आ गई, सब जगह ऐसी हो रहा है मौसम। वो नंगे पैर आ रखी मेरे साथ, देखो ये देखो गाइस, डाई हार्ड फैन यही है हमारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स। तो हम फाइनली पहुंच गए उसी खेत में जहाँ पे हमारी मम्मी थी परसों।
ये है मम्मी हमारी, मम्मी ने घास भी काट दिया, मड्डू टीपी है, लंगड़ा फुटा रहे देख। ताऊजी क्या हो गया आज, परसों बारिश हो रही थी उस दिन नहीं गए थे। ताऊजी से हेलो हाय करके आता हूँ। चूल्हे में फूल लग गए हैं, ये देखो जहाँ पे चूल्हा बनाते थे हम। जय हो, ये ताऊजी का मंदिर। तो बासुदा यहाँ पे कर रहे हैं काम। मैंने एक गाना भी गा रखा है, मेरे कमर पीड़ आ गए। तो बासुदा कह रहे हैं कमर पीड़ आ गई। अब मम्मी तो ये आ रहे हैं, आगे गिरे गिरे गिर, चला गया आराम से, चल कोई बात नहीं, वीडियो बंद कर दी। तो गाइज अभी काफ़ी टाइम हो गया खेत से आने के बाद, तो मैं अपने काम पे कंटिन्यू लग गया था। तो 6:40 हो रहा है अभी, 6:40, और ये पापा का फ़ोन है आज मेरे पास रखा हुआ था, इसमें अम्मा की फ़ोटो लगी, ये हमारी अम्मा है। तो मम्मी आई है यहाँ पे पूजा करने, मैं अपने रूम पे बैठा हुआ था, दिन भर अपने रूम पे बैठा हुआ था, और शाम से भी अभी अपने रूम पे बैठा हूँ। मम्मी कर रही पूजा, पापा को दे के आता हूँ फ़ोन, पापा देखेंगे अब हमारे ब्लॉग। लो अच्छा सब्जी काट रहे, पापा काट रहे सब्जी। ओए अभी मैं अपने लिए केला निकाल लेता हूँ, एक केला खाता हूँ, तब तक मैं केला खाता हूँ, भूख लग रही है मेरे को। एडिटिंग हो चुकी है, एक काम निपट गया, बट फिर दूसरा ब्लॉग कल के लिए एडिट करना, तो उसको कंटिन्यू तुरंत ही भी कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि काफ़ी लेट कर रही है ऐसे में, डिले हो जा रहा है ना काम पे, इसीलिए रात को आजकल ऐसा हो रहा है कि नींद आ रही बहुत तेज, क्योंकि दिन में नहीं सो पा रहा हूँ मैं। तो काफ़ी जल्दी हम खाना खाने आके, 8:30 हो रहा है और अभी खाने तैयार है, लौकी की सब्जी, दही डाली वाली, रोटियाँ हैं, दिन का रायता भी है, थोड़ा सा रायता भी रखा है। तो फटाफट से अभी खाते हैं हम लोग, खाना लगा रही है मम्मी, ये मम्मी और वो पापा बैठे हैं, सामने मेरा ब्लॉग चल रहा है उस पर। तो अभी अब चलते हैं रूम की ओर, डिनर हो चुका है, मम्मी पापा बैठ के ब्लॉग देख रहे थे। तो अभी हो रहा है टाइम 9:50, मैं चलता हूँ सोने के लिए। चलो फिर, हाँ गुड नाइट मम्मा। यहाँ पे लगा दिया मैंने बिस्तर अपना, और यहाँ पे पीछे सपोर्ट के लिए ये हो गया, और अब चलता हूँ एडिटिंग स्टार्ट करने। लैपटॉप, चार्जर, सबसे मेन होता है मेरा स्टैंड जिस पे मैं लैपटॉप रख के एडिटिंग करता हूँ। यहाँ पे मैं ले आया अपना स्टैंड, और इस पे भी जुगाड़ करता हूँ मैं, इस पे लगाता हूँ मैं 3 अडाप्टर चार्जर के, अभी देखना कैसे, 1, 2 और 3, 3 अडाप्टर, ठीक है स्टैंड के लिए। अब लैपटॉप रखेंगे ऊपर, ऐसा करने से हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सरफेस से थोड़ा उठ के लैपटॉप रहता है, इसीलिए हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। करता हूँ एडिटिंग स्टार्ट, टाइम 10:00 है, और अभी फ़िलहाल ब्लॉग एंड कर देता हूँ। होप करता हूँ गाइज आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।